महम विधानसभा क्षेत्र के गांव खरकड़ा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकारिणी सदस्य शमशेर खरकड़ा ने अपने पैतृक गांव खरकड़ा में एक जनसभा को आयोजित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए शमशेर खरकड़ा ने 7 अप्रैल को बहु अकबरपुर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की होने वाली जनसभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की और अपने गांव के लोगों से विनती की कि पहले चुनाव की तरह मेरा साथ दें और मैं मेरे गांव खरकड़ा का सिर हमेशा ऊंचा रखूंगा और 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी की जनसभा में खरकड़ा गाँव का हर व्यक्ति, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे पहुंचकर फिर से मेरे साथ निभाएं। और वहीं गांव वालों ने भी अपने गांव के बेटे शमशेर खरकड़ा को हाथ उठाकर मुख्यमंत्री की जनसभा में पहुंचकर हाथ मजबूत करने का आश्वासन दिया। जनसभा में लोकसभा चुनाव के प्रभारी अरविंद यादव व हरियाणा सरकार में BCCL के चेयरमैन रामचंद्र जांगड़ा व शमशेर खरकड़ा मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी अरविंद यादव ने कहा कि आज हमारा एक ही मकसद है, दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। रोहतक लोकसभा से कोई भी उम्मीदवार आपको पार्टी सौंपे उसे नरेंद्र मोदी समझकर भारी मतों से विजयी बनाए। वही हरियाणा सरकार में चेयरमैन रामचंद्र जागड़ा ने कहा कि पहले की सरकारों में पैसों के बलबूते नौकरी लगते थे, आज मनोहर लाल की सरकार में बिना सिफारिश बिना पैसे काबिल बच्चे नौकरी लगे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 3 बजे बहु अकबरपुर ऐतिहासिक रैली, मुख्यमंत्री जी करेंगे संबोधित, नरेंद्र भाई मोदी को कमल के फूल जो हमारा कैंडिडेट है उसको भारी बहुमत से जिताने के लिए, भारी संख्या में समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी को हम जुटेंगे बहु अकबरपुर में और वो रैली ऐतिहासिक होगी, लाजवाब होगी, बेमिसाल होगी। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, अरविंद जी ने बताया कि इसमें कल से हम जो है सारे गाँव में, कल से मंत्री मनीष ग्रोवर जी भी हमारे साथ रहेंगे, दूसरे नेता भी रहेंगे, रोजाना 10 गांव हम कर रहे हैं और 6 तारीख तक हम पूरा हल्का कवर करके 7 तारीख को एक शानदार रैली बहु अकबरपुर में करेंगे। और मैं यही अपील करता हूं, लोगों से यही निवेदन करता हूं कि इस बार मोदी सरकार देश के लिए ज़रूरी है, देश की मजबूरी है, नरेंद्र भाई मोदी देश का प्रधानमंत्री बने, इसके अलावा ये देश कुछ भी नहीं देखना चाहता, ये प्रदेश कुछ नहीं देखना चाहता। रोहतक लोकसभा में कमल का फूल इस बार निश्चित रूप से खिलेगा और मैं मलके से कम 30 और 35 हज़ार की लीड या हमसे कमल के फूल के कैंडिडेट को देंगे। इस बात का भरोसा दिलाने के लिए हम 7 तारीख को 3 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बहु अकबरपुर पहुँचेंगे। देखिए, हमारा चुनावी मुद्दा जो रहने वाला है, जो 5 साल पहले जब हमने वोट मांगे थे केंद्र सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो हमने पूरे देश को, पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को विश्वास दिलाया था कि जो भ्रष्टाचार की, जो बेईमानों की सरकार है, उस सरकार से अलग सरकार देंगे, व्यवस्था परिवर्तन करने की सरकार देंगे और ये चुनाव इसी बात पर लड़ा जाएगा कि 5 साल बराम 55 साल, 5 साल के अंदर हमने विकास किया है या 55 साल में विकास हुआ था, 5 साल के अंदर व्यवस्था परिवर्तन किया है या कांग्रेस के 55 साल के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हुआ था, यही निर्णय करने के लिए ये 12 तारीख को आने वाले अगले महीने की 12 मई को जो है ये चुनाव होने वाला है। और इस चुनाव में पूरा विश्वास है कि 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और नरेंद्र मोदी जी को 10 कमल हरियाणा की तरफ से इस बार लोकसभा के भेजने वाले हैं। 7 तारीख ये दौरा है यहाँ बहु अकबरपुर गाँव में, वो 3 बजे पहुंचेंगे और अपनी सरकार में, जो प्रदेश सरकार के समय भी हमने जो विश्वास दिलाया था मतदाताओं को, भाई भ्रष्टाचार को मुक्त करने का, पारदर्शी सरकार देने का, ईमानदार तरी से नौकरियां देने का, उस पे हम कितना खड़े उतरे, ये जनता की अदालत में हमारे मुख्यमंत्री जी आके अपना मुकदमा रखेंगे और 12 मई के लिए जो है सबसे अपील करेंगे कि कमल के निशान के का बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर विपक्षियों की जमानत जब्त कराई जाए, इसी बात का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को आने वाले हैं। बहुत बहुत ये पूरे प्रदेश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि जिस पारदर्शिता से और जिस ईमानदारी से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रदेश की सेवा की है और 4.5 साल का जो उनका कार्यकाल बहुत ही संयम और बहुत ही शांति और बहुत ही समर्पण के साथ उन्होंने जो प्रदेश की हर योजना को फलीभूत करके दिखाया है, वो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और अब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में भी और आने वाले समय में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव में भी कमल का फूल खिलाने का लोगों का संकल्प है, यही पूरे देश और प्रदेश की आवाज़ है।